हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आप सभी का मैं अपने चैनल एग्री के एग्रो फार्म्स पे वेलकम करता हूँ। माय फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है, एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे दोस्त मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं वीडियो में जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक टॉपिक है, और जिसमें मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा कि इनकोर्सो वर्सेस एलाबाई के अंदर क्या कंपैरिजन, क्या क्या डिफरेंसेस है। बिकॉज ऑफ कि ये मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेरे पास कॉल्स आ रही थी कि हमें प्लीज़ बताइए कि भाई हमें क्या इनकोर्सो अच्छी ब्रीड होती है या एलाबाई अच्छी ब्रीड होती है। तो माय फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ब्रीड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत होती है कि कौन सी ब्रीड हमारे वेदर के अकॉर्डिंग या कौन सी ब्रीड हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी है। उसी चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर एलाबाई और इनकोर्सो दोनों आपको एक साथ देखने को भी मिलेंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये चीज़ें मैं थोड़ी सी आप लोगों के माइंड से निकालना भी चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स जिसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोगों में बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं कि दो ब्रीड्स एक साथ नहीं रह सकती। आप देख पा रहे हैं मेरी इस वीडियो के अंदर, मेरी एलाबाई और मेरी इनकोर्सो प्रिंसेस एंड ज़ारा दोनों एक साथ है, और कोई किसी प्रकार का कोई टेम्परामेंटल इश्यूज नहीं है, कोई फाइट नहीं है, दोनों इजीली एक दूसरे को एडजस्ट कर रही है। तो आप सबसे पहले तो अपने माइंड के अंदर ये र्यूमर्स निकालिए जो नेगेटिविटीज़ लोग फैलाते हैं, कुछ यूट्यूबर्स फैला देते हैं जिनको एक्चुअल किसी भी पर्टिकुलर ब्रीड का एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो बस केवल अपने पैसे की कमाई करने के लिए, अपने व्यूअर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए के चक्कर में वो लोग इसमें गलत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना देते हैं, एग्रेशन दिखा देते हैं बेफिजूल का। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ चीज़ें आपके रख रखाव के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज मैं आपको एक पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड पॉइंट्स है, कुछ लिमिटेड टॉपिक एक ऐसे पॉइंट्स है कि जिनको आप के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, मैं कंपैरिजन करूंगा दोनों ब्रीड्स को, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए इनकोर्सो बेस्ट है या एलाबाई बेस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे लेफ्ट साइड के अंदर इनकोर्सो है और राइट साइड में मेरे एलाबाई है। तो जैसे कि मैं पहले अगर इनकोर्सो की बात करूँ, तो माई फ्रेंड्स, इनकोर्सो को जिसको इटालियन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, और इसको अगर इसका मैं ओरिजिन की बात करूं तो इनकोर्सो जो ब्रीड है वो इटली से है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में इसका इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। और एलाबाई की मैं बात करूं तो एलाबाई को सेंट्रल एशियन सेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया है। तो मैं अगर बात करूं दोस्तों इनके साइज़ का, तो साइज़ के अंदर अगर मैं बात करूं इनके हाइट की, तो जो इनकोर्सो की हाइट होती है एक मेल या फीमेल की जो हाइट होती है, जो एवरेज हाइट होती है, वो अप्रोक्स 26 इंचेस से लेकर 28 इंचेस तक होती है, और एलाबाई की जो हाइट होती है वो अप्रोक्स 28 इंचेस से लेकर 32 इंचेस तक होती है, जिसमें मेल की अलग वैरी करती है और फीमेल की अलग वैरी करती है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो एज़ पर वेदर, एज़ पर केयरिंग में बात करूं, तो मैं जो इनकोर्सो का जो एक आइडियल वेट होता है वो अप्रोक्स 50 केजी से लेकर 65 या 70 केजी तक भी चला जाता है, जिसके अंदर मेल फीमेल डिफर करते हैं। और ऐसे में एलाबाई में बात करूं तो एलाबाई का जो वेट है वो एक मेल फीमेल का एक डिफर वेट होता है, बट एवरेज वेट की अगर मैं बात करूं तो जो एलाबाई का जो वेट है वो अप्रोक्स 70-75 केजी से लेके अप टू 100 केजी तक भी हो जाता है। और साइज़ में बात करें तो साइज़ में जो इनकोर्सो के कंपैरिजन में एलाबाई थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है। टेम्परामेंट की बात करें तो दोनों की जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, किसी भी प्रकार का इनके अंदर बैड टेम्परामेंट या किसी भी प्रकार का बैड एग्रेशन नहीं होता है, तो इनको आप ईजिली अपने घरों में पाल सकते हो। स्पेस की बात करूँ तो स्पेस दोनों को ही चाहिए, और दो बिकॉज ऑफ कि दोनों के दोनों अच्छी ब्रीड है और बड़े साइज़ की ब्रीड है, जेंट ब्रीड्स है, तो दोनों को एक अच्छा स्पेस देना हम लोगों की एक जिम्मेदारी भी बनती है। और अगर मैं बात करूँ लाइफ स्पेन की, तो लाइफ स्पेन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो इनकोर्सो का जो लाइफ स्पेन है वो अप्रोक्स 10-12 ईयर्स होता है, और एलाबाई की मैं बात करूँ तो इनका जो लाइफ स्पेन है वो 12 से लेके 15 साल 12-15 ईयर्स तक होता है। और बाइट फोर्स की बात करें तो जिनमें बाइट फोर्स के अंदर अगर हम इनकोर्सो की बात करें तो इनकोर्सो की जो बाइट फोर्स है वो अप्रोक्स 725 PSI होती है, और एलाबाई की मैं बात करूँ तो जो इनकी जो बाइट फोर्स है वो अप्रोक्स 600-700 PSI है, जिसको अभी तक पर्टिकुलर किसी ने भी मेज़र नहीं किया है। तो एग्रेशन पे मैंने जैसे आपको बताया कि ये कोई भी एग्रेसिव ब्रीड नहीं है, ना ही इनकोर्सो एग्रेसिव है, ना ही एलाबाई एग्रेसिव है, वो जस्ट फॉर र्यूमर्स है। कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने ये चीज़ें अफवाह फैलाई हुई है कि ये ब्रीड्स एग्रेसिव होती है,
वेदर की बात करूं कि कौन से वेदर में कौन सी ब्रीड एडजस्टेबल है, तो माय फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हो कि केन कोर्सो और अलाबाई दोनों ही बहुत अच्छी ब्रीड है और वेदर में इजीली एडजस्ट कर लेती है। क्योंकि आज हमारा जैसे मेरे कैनल है, आप सभी को जानते हैं मेरा कैनल लोकेटेड है गुड़गांव हरियाणा के अंदर, तो जिसके अंदर किसी भी वो अलाबाई के लिए भी वो वेदर अच्छा शूट कर रहा है, बिकॉज ऑफ हम इनको किसी भी प्रकार का एयर कंडीशन नहीं देते हैं, कूलर और फैंस में ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे केन कोर्सोज है, ये भी ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं, बट आपका जो जगह है जो आप इनको रखते हो वो एक अच्छी जगह होनी चाहिए, उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। और अगर हम बात करें ट्रेनिंग कैपेबिलिटी की, तो दोनों ही ट्रेनिंग कैपेबिलिटी दोनों में ही इंटरनल बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होती है, इजीली ट्रेनेबल ब्रीड्स है। केन कोर्सो भी बहुत अच्छी ट्रेनेबल ब्रीड है एंड अलाबाई भी बहुत अच्छी ट्रेनेबल ब्रीड है, उनको ईजिली ट्रेन किया जा सकता है, कोई इनमें किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। और अगर मैं रेगुलेशंस या मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो दोनों ही ब्रीड आज जो अपनी केन कोर्सो ब्रीड है ये KCI में भी अपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है और FCI भी रेगुलेटेड ब्रीड है। लेकिन अभी जो अलाबाई है उसका मैं आपको ये पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं बता सकता कि अभी शायद इसको KCI रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है, बट आने वाले टाइम में ये भी KCI में रजिस्टर्ड हो जाएगी। और माय फ्रेंड्स अगर मैं लीटर साइज़ की बात करूँ, कोई बंदा फीमेल पालता है तो केन कोर्सो के कंपैरिजन में जो अलाबाई का जो लीटर साइज़ है वो बड़ा होता है, बिकॉज इसकी बैली बहुत बड़ी है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और कुछ और जो बेसिक थिंग्स है वो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही ये फीमेल्स हैं और फीमेल्स में किसी भी प्रकार का आपसी कोई एग्रेशन नहीं है, बहुत ईजिली एडजस्टेबल है दोनों की दोनों। और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से अपने फार्म हाउसेज वगैरह अपने घरों में रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि अगर मैं स्पेस की अगर थोड़ा बात करूँ तो जो अलाबाई है और या केन कोर्सो है दोनों को स्पेस बराबर का ही चाहिए, बट केयरिंग थोड़ी सी कंपैरिजन टू अगर मैं बात करूँ बिकॉज ऑफ कि जो अलाबाई का जो कोट है वो थोड़ा सा अपना मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं लार्ज भी नहीं बोलूँगा, बट ये अपना एक मीडियम कोट है, थोड़ा लेंथी कोट होता है, तो इसमें थोड़ा सा ग्रूमिंग की आपको नीड होगी, आपको टाइम टू टाइम इसको ग्रूम करना पड़ेगा। लेकिन केन कोर्सो में ग्रूमिंग की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसका जो कोट होता है वो एक शॉर्ट कोट होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रूमिंग की कोई वो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। और जो सबसे मेन फैक्टर होता है जो हर कोई बंदा या हर कोई इंडिविजुअल कोई भी कहीं से भी कोई पर्टिकुलर पपी परचेज करता है तो कि हेल्थ इश्यूज़ किस में ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज़ की मैं बात करूँ तो हेल्थ इश्यूज़ दोनों में कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बिकॉज ऑफ कि दोनों ही जेंट ब्रीड है, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बट दोनों ही ब्रीड्स को अच्छे सप्लीमेंट्स एंड अच्छे मिनरल्स अच्छे कैल्शियम की नीड होती है, क्योंकि जॉइंट्स इनके बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, तो उनमें अगर आप प्रॉपर उनकी केयरिंग नहीं करोगे, प्रॉपर उनको वर्कआउट नहीं दोगे, अच्छे सप्लीमेंट्स नहीं दोगे, तो उनके अंदर कभी कभी HD और ED आने के चांसेस बन जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। और डाइट से अगर मुझे याद आया, अगर कई लोग बोलते हैं कि भाई अलाबाई तो बहुत बड़ी ब्रीड है तो बहुत बड़ा ज़्यादा खाता होगा, इसका मेंटेनेंस कितना है, तो मैं आपको बता दूं कंपैरिजन टू केन कोर्सो, आई नो आप सभी जानते हैं कि अलाबाई की डाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ की आप डाइट डिपेंड करती है उसके साइज के ऊपर। अभी अलाबाई की जैसे आप ये प्रिंसेस देख पा रहे हो, अप्रोक्स 31 inches प्लस इसकी जो हाइट है, इसका बैली, इसका स्कल बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ी सी डाइट ज़्यादा चाहिए, बट इतना नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा खाता है, ये बहुत ही एक एवरेज सी डाइट लेता है और आपको उस डाइट में आप इसको ईजिली मेंटेन कर सकते हो, वो कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है। तो माई फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, आप र्यूमर से बचिए, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ये नहीं है कि मैं अपनी पर्टिकुलर ब्रीड को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो र्यूमर से बाहर निकालना चाहता हूँ कि जो आप लोग यूट्यूब्स पे देख रहे हैं, आप लोगों के माउथ टू माउथ आप सुन रहे हो कि भाई ये ब्रीड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ये तो एक हंटिंग ब्रीड है, ये एक फाइटिंग ब्रीड है, ऐसा कुछ भी नहीं है माई फ्रेंड्स। इनमें वो चीज़ें हैं लेकिन वो सब चीज़ें आपके रख रखाव और आपके बनाने के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे देखें तो लैब्राडोर जो ब्रीड होती है वो भी काट लेती है, वो भी अग्रेसिव हो जाती है अगर उसको प्रॉपर केयरिंग ना मिले, लेकिन ये दोनों ब्रीड्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्रीड है, इनके टेम्परामेंटल के कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई इनमें बैड टेम्परामेंट नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, र्यूमर से बचिए, ब्रीड्स के ऊपर स्टडी कीजिए, ब्रीड के बारे में जानिए, उनका स्टैंडर्ड पहचानिए और अच्छी और प्योर ब्लड इनके पपीज़ खरीदिए, कहीं से भी लीजिए, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार के उनके अंदर कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो माई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।